हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई एडुशाला में। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेप्टम 10 के अंतर्गत आईटीआई डिप्लोमा और जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट थे उनके लिए वैकेंसी आई थी। तो जो आईटीआई वाले स्टूडेंट थे उनके लिए टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, और जो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट थे उनके लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आई थी। तो जिसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए टायर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, टायर 2 का भी एग्ज़ाम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। उसके बाद बात करें आईटीआई वाले स्टूडेंट जिन ए पोस्ट के अंतर्गत आते हैं, उनका टायर 1 का एग्ज़ाम जो था वो आपका 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच, और एक एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था वो आपका 22 जनवरी को हो चुका था, और उसका रिजल्ट जो है आपका 21 फरवरी को आ चुका है। जैसा हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको पहले भी बताया था, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो 21 या 22 फरवरी को आने वाला था, तो ऐसा ही हुआ, 21 फरवरी को आपको रिजल्ट आ गया था। और उस ड्यूरेशन में क्या था कि एक दो दिन वेबसाइट में थोड़ा ज़्यादा रश था, सर्वर भी आपका बिजी था, इस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट अपना रिजल्ट भी नहीं चेक पा रहे थे। तो धीरे धीरे सभी स्टूडेंट ने अपना रिजल्ट भी चेक कर लिया, देख भी लिया, बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम को क्लियर भी किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का क्लियर नहीं हो पाया। कट ऑफ इस बार थोड़ा सा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया है पिछले साल की कंपैरिजन में, तो ऑलमोस्ट जो भी कट ऑफ है आपका 90 से 100 के बीच में कट ऑफ रहा है ऑलमोस्ट सभी ट्रेड का, जितने भी ट्रेड थी। वैकेंसी अगर किसी में कम हो या ज़्यादा हो वो फर्क नहीं है, लेकिन कट ऑफ आपका हाई था। तो क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था वो आपका मॉडरेट था, इसीलिए कट ऑफ आपका थोड़ा सा हाई गया। तो जो भी स्टूडेंट टायर 1 में क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद सेकेंड जो प्रोसेस है आपका ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। तो हमने अपने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया कि ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट कैसे होता है, किन किन जगहों पे डीआरडीओ अपना ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट कंडक्ट कराती है। अलग अलग ट्रेडों के लिए अलग अलग जगह फिक्स है कि वहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराएगी। वेल्डर हो गए, फिटर हो गए, टर्नर हो गए, मशीनिस्ट हो गए, कोपा, तो सबका जगह फिक्स है किस जगह पे लोकेशन पे आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो बात करें कि आपका ट्रेड टेस्ट कब तक होने की संभावना है, तो जो भी आपका टायर 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आपका 21 फरवरी को आया था, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका जो भी लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस हो, और जो 2-3 साल से हम रिव्यू ले रहे हैं कि इतने दिनों के एक्सपेक्टेड के बीच में कि आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद कितने दिनों के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 2-3 हमारे स्टूडेंट भी है आपका डीआरडीओ में, जब भी सभी से आइडिया मिला तो पता चल रहा है कि जो भी आपका ट्रेड टेस्ट होता है वो टायर 1 के रिजल्ट आने के अप्रॉक्स 1 महीने के अंदर आपका ट्रेड टेस्ट हो जाता है। तो आपका जो भी ट्रेड टेस्ट है वो आपका ऑलमोस्ट जो 3rd से 4th वीक होगा आपका मार्च में, उसमें आपको करा लिया जाएगा। मतलब समझिए कि आपको 20 से 26 27 के बीच में आपका ट्रेड टेस्ट करा लिया जाएगा, और ट्रेड टेस्ट के आपको मैक्सिमम 10 से 12 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाता है। तो आप समझिए कि अप्रैल में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, मार्च में आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट होगा, और अप्रैल में मैक्सिमम 15 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जिसका एडमिट कार्ड है आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा उसका एडमिट कार्ड आपको लोकेशन दिया जाएगा, टाइमिंग दिया जाएगा। तो आपको क्योंकि लोकेशन इसका काफ़ी दूर दूर है, तो जो भी स्टूडेंट है बिहार के, यूपी के, इधर आपका वेस्ट बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से, तो इनको काफ़ी दूर सफ़र करना पड़ेगा। तो आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपको 10 से 11 दिन पहले आपको पब्लिश कर दिया जाएगा, इसके वेबसाइट पे लिंक अवेलेबल हो जाएगा। जैसे अगर आपको 25 को एग्ज़ाम हो रहा है तो 12-13 आपका मार्च तक आपका ये एडमिट कार्ड का लिंक अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे भी आपका लिंक अवेलेबल होता है हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म कर देंगे कि लिंक अवेलेबल हो गया, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, चेक कर ले कि कहाँ पे आपका टेस्ट होना है। तो जो भी ड्यूरेशन बचा है आपका 15-20 दिन जो भी आपके पास टाइम है, इस बीच में आपका होली फेस्टिवल भी आ रहा है, तो जो भी जितने भी टाइम है उस टाइम में आप उस टाइम का यूटिलाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्किल टेस्ट की तैयारी करें। जहाँ भी आपके आसपास में जो भी सेंटर हो, अगर कोई कॉलेज हो, अगर कहीं प्रैक्टिस हो रहा हो, तो कॉलेज वाले से संपर्क करके आप वहाँ पर जाके स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कम समय 2 से 2.5 घंटे समय मिलेंगे, उसमें आपको एक जॉब मिलेगा, उस जॉब को आपको कंप्लीट कर, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें कि आपका वहाँ पे जो भी जॉब मिले आप वो आसानी से उसको बना पाए। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करें, जैसे आपने टायर 1 के लिए प्रिपेयर किया था कि आपका क्वालिफाई हो गया, उसी तरह आप इसको भी आसानी से क्वालिफाई कर पाए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।